नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मिस्टर 360 गुप्ता पर। आज की वीडियो में जो मैच मैं कवर करने जा रहा हूं वो मैच है दोस्तों पुंडीचेरी T20 का 18वां मुकाबला जो यहां पर खेला जाने वाला है टीम टाइगर्स वर्सेस टीम पैंथर्स 11 के बीच में। तो इस वीडियो के अंदर आप लोग जानेंगे कि इस मुकाबले में दोनों टीम्स के लिए कौन से प्लेयर्स आपको ओपन करते हुए नजर आएंगे, कौन से प्लेयर्स दोनों टीम्स के लिए डेथ ओवर्स में बॉलिंग कराते हुए नजर आएंगे, कौन सा प्लेयर आपके लिए जैकपॉट रहेगा, किस प्लेयर को आप लोग अपनी हेड टू हेड टीम में ट्राई करेंगे और किस प्लेयर को आप लोग अपनी ग्रांड लीग की टीम में ट्राई करेंगे। तो ये सारी जानकारियां आपको वीडियो के अंदर मिलने वाली हैं, तो वीडियो को कंप्लीट वॉच करिएगा। और अगर आप लोग इस मुकाबले में कुछ अमाउंट इन्वेस्ट कर रहे हो और आप लोग चाहते हो कि वो इन्वेस्टमेंट से आप लोगों को एक अच्छा खासा प्रॉफिट हो तो उसके लिए वीडियो को पूरा वॉच करिएगा और बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, क्योंकि वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट और इन्फॉर्मेटिव रहने वाली है। बाकी जो भी मेरी फाइनल अपडेट होगी, जो भी मेरी फाइनल टीम होगी आफ्टर लाइनअप या टॉस के बाद, या जो मेरी 100% विनिंग टीम होगी जिस टीम के साथ मैं खुद कॉन्टेस्ट ज्वाइन करूंगा, वो टीम दोस्तों मिलेगी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर, जहां पर दोस्तों अभी के समय 4300 से ज़्यादा मेंबर्स जुड़ चुके हैं और रोजाना यहाँ पर वो दी गई मेरी फ्री टीम्स का प्रॉफिट उठा रहे हैं। तो आप लोग भी बाकी मेम्बर्स की तरह मेरी दी गई फ्री टीम्स का प्रॉफिट उठाना चाहते हैं तो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना है। तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना काफ़ी ज़्यादा आसान है। तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ने के लिए आपको कमेंट सेक्शन में जाना है। कमेंट सेक्शन में जो सबसे पहले नंबर पे कमेंट होगा, जो सबसे टॉप पर कमेंट होगा, जो कमेंट पिन किया गया होगा वो मेरे चैनल का लिंक होगा, जिस पर क्लिक करके सीधा आप लोग हमारे चैनल पर पहुंच जाएंगे और बाकी मेंबर्स की तरह फ्री टीम्स का प्रॉफिट उठा पाएंगे। अगर लिंक वर्क ना करे तो कमेंट में ही आपको चैनल का नेम भी मिल जाएगा, जिसको सर्च कर कर भी आप लोग हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। तो ये काम दोस्तों ज़रूर कर लेना, क्योंकि ये आपके लिए इंपॉर्टेंट भी है और आपके लिए बिल्कुल फ्री। तो ज़रूर दोस्तों ये काम कर लीजिएगा। बाकी अगर आपको वीडियो इंपॉर्टेंट लगे, इन्फॉर्मेटिव लगे, कुछ सीखने को मिला हो वीडियो से, तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर देना, क्योंकि आपका एक लाइक हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चैनल पर पहली बार आए हो, पहली बार हमारे चैनल की वीडियोज़ को वॉच कर रहे हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, पास में जो बेल आइकन उसको ज़रूर ऑल पर प्रेस कर लेना, ताकि आप सभी को आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है और आपके लिए बिल्कुल फ्री। तो ज़रूर दोस्तों ये काम कर लेना। तो यहाँ पर बात कर लेते हैं दोनों टीम्स के प्रीव्यू की। तो यहाँ पर देखा जाए जो टाइगर्स 11 की टीम है वो दूसरी बार इस टूर्नामेंट में पैंथर्स के अगेंस्ट आने वाली है। टाइगर्स 11 जो है वो करेंटली भी सेकेंड पोजीशन पर है पॉइंट टेबल में, जबकि जो पैंथर्स हैं वो भी टॉप पोजीशन पर हैं। तो आप यहाँ पर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो दोनों टीम्स हैं वो टूर्नामेंट की सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग टीम्स हैं। टाइगर्स ने इस सीज़न अपने 5 मुकाबले खेले हैं जिसमें से वो 5 के 5 जीते हैं। पैंथर्स ने इस सीज़न अपने 6 मुकाबले खेले हैं जिसमें से वो 4 जीते हैं, 2 हारे हैं। लास्ट टाइम जब दोनों टीम्स एक दूसरे के अगेंस्ट आई थी तो पैंथर्स 11 ने टाइगर्स 11 को 8 विकेट से हरा दिया था। अगर मैं बात करूँ वेदर रिपोर्ट की तो यहाँ का जो वेदर है ठीक ठाक है, रेन के चांसेस नहीं दिखेंगे आपको मैच के दौरान, तो इन्वेस्टमेंट आप लोग कर सकते हैं। विकेट की मैं बात करूं तो इनकी जो विकेट है वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर मदद करने वाली है बैट्समैन और बॉलर्स को। स्पिनर्स थोड़े बहुत इम्पैक्टफुल हो सकते हैं मिडल ओवर्स में, जबकि तेज़ गेंदबाजों का जो है वो बॉल वाला शुरुआत में भी रहेगा और लास्ट इनिंग के लास्ट तक भी रहेगा। तो इसलिए आप जो टीम क्रिएट करें वो क्रिएट करें बैट्समैन और फास्ट बॉलर्स के फेवर में। एवरेज फर्स्ट इनिंग स्कोर यहाँ पे दोस्तों है मात्र 151 रनों का। जो भी टीम यहाँ पे चेस करती है उसका रिकॉर्ड देखा जाए तो वो काफ़ी शानदार है। 60 का यहाँ पर विनिंग परसेंटेज, यानी 10 में से 6 बार वो टीम यहाँ पर जीतेगी जो यहाँ पर चेस करना पसंद करेगी। अब मैं बात करूँ टाइगर्स 11 की तो उनकी ओर से रघुपति आर जो कि इनके कैप्टन है, एंड्रयूस विक्शन, जसवंत यस, पारस रत्न पारके, विजय राजा, शिवा कुमार यस, कार्तिकेन जय, अर्जुन शेट्टी, माथवान, विग्नेश नयन कंगयान आपको खेलते हुए नजर आ जाएंगे। इनका जो लास्ट मुकाबला हुआ था वहाँ पर इनकी टीम टाइगर्स 11 हरा के आ रही है लॉयंस को 4 रनों से। इस मुकाबले में टाइगर्स 11 ने 178 रन बनाए थे 8 विकेट के नुकसान पर। नयन कंगयान और यहाँ पे रघुपति आर ओपन करने आए थे। नयन ने यहाँ पे दोस्तों 8 रन बनाए थे और रघुपति ने दोस्तों यहाँ पे 5 रन बनाए थे। अर्जुन शेट्टी ने दोस्तों यहाँ पे 42 गेंदों पे 80 रन बनाए, 10 चौके, 4 छक्के इनकी पारी में शामिल थे। माथवान ने दोस्तों यहाँ पर 10 गेंदों पर 13 रन बनाए, इनकी पारी में भी 1 चौका 1 छक्का शामिल था। कार्तिकेन जय ने दोस्तों 23 गेंदों पर 31 रन बनाए, इनकी पारी में 1 चौका 3 छक्के शामिल थे। पारस रत्न पारके ने दोस्तों 5 गेंदों पर 5 रन बनाए। एंड्रयूस विक्शन ने यहाँ पे दोस्तों 14 गेंदों पर 30 रन बनाए और जसवंत यस दोस्तों यहाँ पे 0 रन बना के आउट हो गए, यानी डक पर आउट हो गए। तो उनकी ओर से आपके लिए जो इंपॉर्टेंट बैट्समैन रहेंगे वो यहाँ पे दोस्तों नयन कंगयान रहेंगे, रघुपति आर रहेंगे, अर्जुन शेट्टी रहेंगे,
माथवान एम रहेंगे, उसके अलावा पारस रत्ना पारके रहेंगे। तो इनकी ओर से आपके लिए जो ये पांच बैट्समैन है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो पांचों बैट्समैन है वो अपनी टीम के लिए टॉप ऑर्डर पर बैटिंग करते हुए देखने को मिल जाएंगे और अपनी टीम के लिए ज़्यादा से ज़्यादा गेंद खेलने का भी मौका इन्हीं को मिलेगा, तो यही प्लेयर्स अपनी टीम के लिए ज़्यादा से ज़्यादा रन भी बना पाएंगे। बॉलिंग की अगर मैं बात करूं तो यहां पर आप देखेंगे विजय राजा ने 4 ओवर में 28 रन देके 4 विकेट निकाले, विघ्नेश ने दोस्तों 4 ओवर में 41 रन देके 3 विकेट निकाले, जशवंत ने दोस्तों 4 ओवर में 44 रन देके 1 विकेट निकाला और शिवा कुमार यस ने दोस्तों 4 ओवर में 29 रन देके 2 विकेट निकाले और पारस यहाँ पर 4 ओवर में 32 रन दिए और विकेट लेस रहे। तो इनकी ओर से देखा जाए तो इनके सारे बॉलर जो हैं वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो इनकी टीम है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग टीम है, उनके सारे बॉलर्स के पास मौका रहेगा विकेट्स निकालने का, तो इनमें से आप लोग किसी को भी अपनी टीम में पिक कर सकते हैं। अगर मैं बात करूं दोस्तों यहाँ पर इनके अपोनेंट टीम की पैंथर्स 11 की, तो उनकी ओर से आपको रोहित दामोदरन खेलते हुए नजर आएंगे जो कि कैप्टन है, जॉर्ज सैमुअल जो कि विकेट कीपर हैं, साई शरण वाई हैं, आमिर जिशन है, एन भरत भूषण शर्मा है, इकलास नाहा है, जयप्रकाश मणिकांदन है, प्रियम आशीष हैं, संतोष कुमारन, अशित राजीव, तरुण जागो खेलते हुए नजर आ जाएंगे। इनकी जो टीम है वो भी अपना पिछला मुकाबला जीत के आ रही है 7 विकेट से। इस मुकाबले में इनकी टीम को 128 रन बनाए थे और इनकी टीम ने 129 रन बना दिए थे 3 विकेट के नुकसान पे। तो इनकी ओर से प्रियम आशीष और रोहित दामोदरन जो कि इनकी टीम के कैप्टन है वो ओपन करने आए थे। प्रियम आशीष ने दोस्तों 1 रन बनाया था, रोहित दामोदरन ने दोस्तों 33 गेंदों पर 35 रन बनाए, आमिर जिशन ने दोस्तों यहाँ पर 24 गेंदों पर 51 रन की पारी खेली और नॉट आउट रहे। इनकी पारी में 4 चौके 3 छक्के शामिल रहे। इकलस नाहा ने यहाँ पर दोस्तों 16 गेंदों पर 7 रन बनाए और जयप्रकाश मणिकांदन ने दोस्तों यहाँ पर 14 गेंदों पर 24 रन बनाए, इनकी पारी में भी 3 चौके 1 छक्का शामिल रहा। तो इनकी ओर से आपके लिए जो इंपॉर्टेंट बैट्समैन रहेंगे वो यहाँ पर दोस्तों प्रियम आशीष रहेंगे, रोहित दामोदरन रहेंगे, आमिर जिशन रहेंगे और यहाँ पे इकलस नाहा रहेंगे। तो इनकी ओर से जो ये 4 बैट्समैन है वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे, क्योंकि ये चारों बैट्समैन अपनी टीम के लिए ज़्यादा से ज़्यादा गेंदे खेलेंगे और अपनी टीम के लिए ज़्यादा से ज़्यादा रन बनाएंगे। उसके अलावा अगर आप ट्राई करना चाहें तो यहाँ पर जयप्रकाश मणिकांदन को भी ट्राई कर सकते हैं। बात की जाए दोस्तों इनकी बॉलिंग की, तो बॉलिंग में आप देखेंगे रोहित दामोदरन ने दोस्तों यहाँ पर 4 ओवर में 18 रन दिए, 1 विकेट निकाला, संतोष कुमारन 3 ओवर में 25 रन दिए, विकेट लेस रहे, शाही शरण ने यहाँ पे दोस्तों 4 गेंदों पर 33 रन देके 2 विकेट निकाले, भरत भूषण शर्मा ने 1 विकेट निकाला, तरुण ने यहाँ पर दोस्तों 2 ओवर की बॉलिंग करे पार्ट टाइमर के तौर पर 17 रन देके 1 विकेट निकाला, इकलस नाह ने दोस्तों 3 ओवर में 19 रन देके 2 विकेट निकाले। तो इनकी ओर से आपके लिए जो इंपॉर्टेंट बॉलर्स रहने वाले हैं वो दोस्तों यहाँ पर इकलस नाहा रहेंगे, उसके अलावा भरत भूषण शर्मा, शाही शरण वाई और यहाँ पे रोहित दामोदरन, तो ये 4 बॉलर्स हैं उनकी ओर से आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये चारों बॉलर्स अपने ओवर्स का कंप्लीट स्पेल कराएंगे और अपनी टीम के लिए ज़्यादा से ज़्यादा विकेट निकालने की कोशिश करेंगे। अब बात करते हैं दोस्तों दोनों टीम्स के टॉपिक्स की, तो पहला नाम निकल के आएगा यहाँ पर पारस रत्ना पारके का, राइट हैंड बैट्समैन है, राइट आर्म ऑफ ब्रेक बॉलिंग कराया था टाइगर्स 11 के लिए, लास्ट मैच में पैंथर्स के खिलाफ इसने 12 रन बनाए थे। एस जसवंत की मैं बात करूँ लेफ्ट हैंड बैट्समैन है, लेफ्ट आर्म चाइना और बॉलिंग कराते हैं टाइगर्स 11 के लिए, लास्ट मैच में इन्होंने 8 रन और 1 विकेट निकाला था पैंथर्स 11 के अगेंस्ट में। अर्जुन गणेश की मैं बात करूँ लेफ्ट हैंड बैट्समैन है और राइट आर्म आप स्पिन बॉलिंग भी करा सकता है टाइगर्स 11 के लिए, लास्ट टूर्नामेंट में 181 रन के नाम है। आमिर जिशन की मैं बात करूँ तो राइट हैंड बैट्समैन है पैंथर्स 11 के लिए, मिडिल ऑर्डर में बैटिंग करते हैं, लास्ट टाइम उन्होंने 25 रन बनाए थे टाइगर्स 11 के अगेंस्ट में। अगर बात की जाए इस मुकाबले में आपके लिए बेस्ट ऑप्शंस कौन से हैं कैप्टन एंड वाइस कैप्टन के, तो कैप्टन आप लोग पारस रत्ना पारके, अर्जुन गणेश को रख सकते हैं, वाइस कैप्टन आमिर जिशन है, नोरेस जसवंत को रख सकते हैं। एक्सपर्ट एडवाइस दोस्तों मेरी यही रहने वाली है, जो पारस रत्ना पारके वो आपके लिए गुड ऑप्शन रहने वाले हैं कैप्टनसी का स्मॉल लीग और ग्रां लीग में भी। प्रियम आशीष जॉर्ज सैमुअल को आप लोग जेल में पंट प्लेयर्स के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं, जो बेस्ट कॉम्बिनेशन हो सकता है वो 1 विकेट कीपर 3 बैट्समैन 4 ऑलराउंडर्स 3 बॉलर्स का बन सकता है। अगर मैं बात करूँ कौन सी टीम उस मुकाबले को विन करेगी, तो टाइगर 11 के काफ़ी ज़्यादा चांसेस रहेंगे इस मुकाबले को विन करने के। तो दोस्तों उम्मीद करूंगा आपको अभी तक वीडियो के अंदर जो भी मैंने इन्फॉर्मेशन दी होगी, जो भी मैंने आपको जानकारियाँ दी होंगी, वो आपको काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट और इन्फॉर्मेटिव लगी होंगी। तो आपने अगर अभी तक हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो 1 लाइक वीडियो को ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि आपका 1 लाइक हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आपको 1 लाइक करने में 1 सेकेंड से भी कम समय लगेगा और आपका 1 लाइक हमें बहुत ही ज़्यादा मोटिवेट करेगा ऐसी वीडियोज़ क्रिएट करने के लिए। तो वीडियो को 1 लाइक ज़रूर कर दें। चैनल पर पहली बार आए हो, पहली बार हमारे चैनल की वीडियोज़ को वॉच कर रहे हो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, पास में जो बेल आइकन है इसको जरूर ऑल पर प्रेस कर लें, ताकि आप सभी को आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है और आपके लिए बिल्कुल फ्री, तो ज़रूर दोस्तों ये काम कर लीजिएगा। बाकी जो भी मेरी फाइनल अपडेट होगी, जो भी मेरी फाइनल टीम होगी आफ्टर लाइनअप या टॉस के बाद, या जो मेरी 100% विनिंग टीम होगी जिस टीम के साथ मैं खुद कॉन्टेस्ट ज्वाइन करूंगा, वो टीम दोस्तों आपको मिलेगी हमारे टेलीग्राम चैनल पर, जहां पर करेंटली 4300 से ज़्यादा मेंबर्स जुड़ चुके हैं और रोजाना यहां पर बुद्धि गई मेरी फ्री टीम्स का प्रॉफिट उठा रहे हैं। तो आप लोग भी दोस्तों अगर हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो आपको जो लिंक है वो कमेंट सेक्शन में मिल जाएगी। आपको कमेंट सेक्शन में जाना है, जो सबसे पहले नंबर पर कमेंट हो, जो सबसे टॉप पर कमेंट हो, जो कमेंट पिन किया गया हो वो मेरे चैनल का लिंक होगा,
जिस पर क्लिक करके सीधा आप लोग हमारे चैनल पर पहुंच जाएंगे और बाकी मेंबर्स की तरह फ्री डेम्स का प्रॉफिट उठा पाएंगे। अगर लिंक वर्क ना करे तो दोस्तों आपको कमेंट में चैनल का नेम भी मिल जाएगा, जिसको सर्च कर कर भी आप लोग हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। तो ये काम दोस्तों ज़रूर कर लेना, क्योंकि ये आपके लिए इंपॉर्टेंट भी है और आपके लिए ज़रूरी भी। तो दोस्तों मैं चलता हूँ ड्रीम इलेवन की ओर, जहाँ पर मैं आपको कमाल की हेड टू हेड टीम और जीएल टीम प्रोवाइड कर देता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर हम बात करेंगे सबसे पहले विकेट कीपर सेक्शन की। तो आपके सामने यहाँ पे दो पिक आपको नज़र आ रही होंगी, पहली पिक है जी सैमुअल की, दूसरी पिक यहाँ पे दोस्तों माथवान की। तो इन दोनों विकेट कीपर में जो आपके लिए बेस्ट विकेट कीपर रहेंगे वो यहाँ पे माथवान रहेंगे, क्योंकि थोड़ा टॉप ऑर्डर में बैटिंग करते हैं, जबकि जो जी सैमुअल का बैटिंग ऑर्डर वो काफ़ी ज़्यादा नीचे आता है और इनके जो टॉप ऑर्डर के बैट्समैन है वो काफ़ी अच्छे फॉर्म में नज़र आ रहे हैं, तो काफ़ी कम चांसेस है इनके पास अच्छा स्कोर करने का। तो इसीलिए आप लोग इनको अगर ट्राई करना चाहें तो जीएल में कर सकते हैं, लेकिन हेड टू हेड के नज़रिए से जो सबसे बेस्ट पिक आपके लिए यहाँ पर रहेगी वो यहाँ पर है माथवान की रहेगी। तो इसीलिए यहाँ पर मैं इनको अपनी टीम में पिक करके चलने वाला हूँ। बाकी बात की जाए दोस्तों बैटिंग सेक्शन की, तो आप लोग यहाँ पर रघुपति को अपनी टीम में ट्राई कर सकते हैं, आपको टॉप ऑर्डर पर बैटिंग करते हुए नजर आ जाएंगे और अपनी टीम के कैप्टन भी है, तो इसलिए हम यहाँ पर इनको ट्राई करेंगे। उसके अलावा दोस्तों यहाँ पर हम ए जिशन इनको ट्राई करने वाले हैं, ये भी काफ़ी अच्छे प्लेयर आपके लिए इस मैच में रहने वाले हैं। उसके अलावा आप लोग यहाँ पर ट्राई करना चाहें तो कांगयान को भी कर सकते हैं, ये आपको ओपन करते हुए नजर आ जाएंगे। बाकी यहाँ पर मैं दोस्तों ए गणेश को पिक करूँगा, कल के मैच में इन्होंने काफ़ी शानदार पारी खेली 80 रनों की, तो आज भी हो सकता है अपनी टीम के लिए काफ़ी अच्छी बैटिंग करते हुए नजर आ जाएँ, तो इसलिए आपको इनको भी पिक करके चलना है। उसके अलावा यहाँ पर जे मणिकांदन की पिक, इन्होंने भी ठीक ठाक रन बना दिए थे मिडिल ऑर्डर में आकर, तो आप इन्हें जेल में ट्राई कर सकते हैं। बाकी पी आशीष को अगर आप लेना चाहें तो इनको भी पिक कर सकते हैं, ये भी आपको ओपन करते हुए नजर आ जाएंगे। तो यहाँ पर देखें तो मैंने यहाँ पर 4 बैट्समैन पिक कर लिए हैं, लेकिन मुझे अगर आगे कोई अच्छा ऑलराउंडर अच्छा बॉलर मिलता है तो ज़रूर यहाँ पर से मैं एक बैट्समैन को ड्रॉप कर दूंगा। तो अभी के लिए मैं 4ों को अपनी टीम में लेकर चलता हूँ और आगे देखता हूँ क्या होता है। अलाटो सेक्शन में आपको यहाँ पर पारस अदर पारके को अपनी टीम में ट्राई करना है, इंपॉर्टेंट प्लेयर है, बैटिंग बॉलिंग दोनों कराता है, अपनी टीम के लिए मिडिल ऑर्डर में बैटिंग करता है, 2 ओवर की बॉलिंग कराता है और विकेट टेकर बॉलर भी है। उसके अलावा यहाँ पर हम दोस्तों इक्लस नाहा को अपनी टीम में ट्राई करेंगे, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट प्लेयर रहने वाले हैं इस मुकाबले के लिए। बाकी यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर दोस्तों जशवंत की पिक हम यहाँ पर इनको ट्राई कर लेंगे। बाकी यहाँ पर देखा जाए तो दामोदर रोहित की पिक है, वैसे तो ये दोस्तों आपको कभी भी ज़्यादा बॉलिंग को ओवर करते नहीं दिखते हैं, हमेशा 2 या 1 ओवर की बॉलिंग कराते हैं, लेकिन कल के मैच में इन्होंने 4 ओवर की बॉलिंग कराई, प्लस ये आपको ओपन करते हुए भी नजर आ जाते हैं, तो इसलिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्लेयर हमारे लिए हो जाता है। तो अगर आप इनको अपनी टीम में पिक करना चाहते हैं तो आपको किसी एक बैट्समैन को ड्रॉप करना पड़ेगा। तो अगर मैं बात करूँ पी आशीष की परफॉर्मेंस की, तो इनकी परफॉर्मेंस आप देख सकते हैं, हर एक मैच में इन्होंने अच्छा परफॉर्म किया है और ड्रीम टीम में इनका नेम आया है लास्ट मैच को छोड़कर। उसके अलावा अगर रघुपति की मैं बात करूं तो इनकी परफॉर्मेंस देखी जाए तो किसी मैच में काफ़ी अच्छी रहती है तो किसी मैच में फ्लॉप रहती है, तो एवरेज प्लेयर है, तो मैं इनको ऊपर रिस्क लेता हूं और इनको अपनी टीम से ड्रॉप करके यहां पे अपनी टीम में मैं दामोदर रोहित को पिक करूँगा, जो आपको बैटिंग और बॉलिंग दोनों का ऑप्शन प्रोवाइड कराएंगे। बॉलिंग सेक्शन की बात की जाए तो आपके लिए यहाँ पर भी भूषण शर्मा की काफ़ी अच्छी पिक है और विकेट टेकर बॉलर आप इनको पिक करें, एस कुमार एस विकेट टेकर बॉलर हम इनको पिक करेंगे, और जो मेरी लास्ट पिक होगी यहाँ पे दोस्तों यहाँ पर आई विजय की होगी, जिन्होंने कल के मैच में काफ़ी शानदार बॉलिंग की थी, 4 विकेट इन्होंने यहाँ पे दोस्तों निकाले थे, तो मैं इनको ट्राई करूँगा। उसके अलावा और भी शानदार यहाँ पर आपके पास बॉलिंग के ऑप्शन आते हैं, पहला नाम यहाँ पर आता है शरण वाई का, तो ये भी लगातार 2 मैचेस से अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, विकेट निकाल कर दे रहे हैं। उसके अलावा ई विघ्नेश ने भी कल के मैच में 3 विकेट निकाले थे, तो आप लोग चाहें तो इनको भी ट्राई कर सकते हैं, लेकिन मेरी जो टीम है वो यहाँ पर दोस्तों क्रिएट चुकी है, मैंने ज़्यादा से ज़्यादा प्लेयर्स टाइगर्स के रखे हैं, 6 प्लेयर्स इनकी टीम के रखे हैं, रीजन साफ है, टूर्नामेंट में इनकी जो टीम है वो टॉप पोजीशन पर है। उसके अलावा मैंने पैंथर्स के यहाँ पे दोस्तों 5 प्लेयर्स को सिलेक्ट किया है। कॉम्बिनेशन की बात करूँ तो मैंने अपनी टीम में दोस्तों 1 विकेटकीपर रखा है, 3 बैट्समैन रखे हैं, 4 ऑलराउंडर्स रखे और 3 गेंदबाजों को मैंने अपनी टीम में जगह दी हुई है। तो टीम प्रीव्यू की अगर मैं बात करूँ तो विकेट कीपिंग सेक्शन से मैंने यहाँ पे माथवान को रखा हुआ है, जो कि अपनी टीम के लिए काफ़ी अच्छा परफॉर्म करके देते हैं। बैटिंग सेक्शन से मैंने गणेश को रखा है, जिन्होंने कल के मैच में 80 रन बनाए थे और अपनी टीम के लिए काफ़ी अच्छा परफॉर्म करते हैं, नंबर 3 पे या फिर मिडल ऑर्डर में। बाकी मैंने जिशन एन को रखा है, ये भी आपको ओपन करते हुए नजर आ जाएंगे, तो ये भी काफ़ी शानदार प्लेयर है। बाकी मैंने यहाँ पर पी आशीष को रखा हुआ है। अलाटो सेक्शन से मैंने यहाँ पर इक्लस नाहा को रखा हुआ है, जो कि आपको मिडिल ऑर्डर में बैटिंग और बॉलिंग करते हुए नजर आ जाएंगे। एच जशवंत को मैंने ट्राई किया है, डी रोहित को ट्राई किया, जो कि आपको ओपन करते हुए नजर आ जाएगा और 2 से 3 ओवर की बॉलिंग कराता हुआ भी नजर आ जाएगा। उसके अलावा दोस्तों मैंने यहाँ पर पी रत्ना पारके को रखा है, ये भी आपको बैटिंग और बॉलिंग दोनों करते नजर आ जाएंगे। बॉलिंग सेक्शन से मैंने दोस्तों यहाँ पर बी भूषण को रखा है, ये भी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्लेयर रहने वाले हैं। आर विजय को रखा है, ये भी आपके लिए शानदार प्लेयर करके मैं कल के मैच में इन्होंने 4 विकेट निकाले थे, तो आज हो सकता है 1 या 2 विकेट इनको मिल जाएँ। उसके अलावा मैंने यहाँ पर एस कुमार एस को अपनी टीम में ट्राई किया है, आप चाहें तो यहाँ पर एक चेंज कर सकते हैं कि एस कुमार एस की जगह पर आप यहाँ पे ई विघ्नेश या फिर शरण भाई को ले सकते हैं, लेकिन एस कुमार एस काफ़ी शानदार पिक है, इनको आप लोग ड्रॉप करने का रिस्क नहीं ले सकते हैं, लेकिन जीएल में आप लोग इस चीज़ को ट्राई कर सकते हैं।
बात कीजिए बेस्ट ऑप्शंस क्या हैं आपके लिए कैप्टन और वाइस कैप्टन के, तो देखिए यहाँ पर मैं कैप्टन रत्ना पारखी को बनाऊंगा। वाइस कैप्टन के ऑप्शन देखे जाए तो बहुत से लोगों ने ए जिशन को यहाँ पर वाइस कैप्टन बना रखा है, लेकिन मैं वाइस कैप्टन यहाँ पर बनाऊंगा डी रोहित को। उसके अलावा आप लोग यहाँ पर अखिलेश नाहा को भी बना सकते हैं, लेकिन मेरे वाइस कैप्टन जो है वो यहाँ पर डी रोहित रहेंगे। तो मैं अपनी टीम को दोस्तों सेव कर लेता हूँ, आप लोग हमारी टीम का प्रीव्यू इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और जहाँ पर भी आप लोग प्ले कर रहे हो वहाँ पर जाकर आप लोग हमारी इस टीम को यूज़ कर सकते हो। तो ये दोस्तों मेरी हेड टू हेड टीम रहने वाली है और इसी सेम टीम के साथ मैं हेड टू हेड कॉन्टेस्ट को ज्वाइन करने वाला हूँ। तो आप लोग हमारी इस चीज़ का स्क्रीनशॉट ले लें, इसका प्रीव्यू ले लें जहाँ पर भी आप लोग प्ले या फिर इन्वेस्ट कर रहे हो, तो ताकि आपको लास्ट मोमेंट में किसी भी तरीके की कोई भी समस्या ना आए। बाकी ग्रांड लीग में दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर आप माथुरन की जगह पर जी सैमुअल को ट्राई कर सकते हैं। अलाडो सेक्शन में आकर आप यहाँ पर पी भूषण की जगह पर ई विघ्नेश या फिर शरण को ट्राई कर सकते हैं। कैप्टन वाइस कैप्टन में आप लोग यहाँ पर कैप्टन डी रोहित को बना सकते हैं और वाइस कैप्टन रत्न पारखी को कर सकते हैं। तो ये आपके लिए ग्रांड लीग की टीम मैंने यहाँ पर क्रिएट की है, आप लोग इसका भी स्क्रीनशॉट इसका भी प्रीव्यू ले लो जहाँ पर भी आप लोग प्ले कर रहे हैं वहाँ पर जाकर आप लोग हमारी इस ग्रांड लीग टीम को भी यूज़ कर सकते हैं। तो एक बार आप लोग इसका भी स्क्रीनशॉट इसका भी प्रीव्यू ले लें। तो ये मेरी ग्रांड लीग की टीम रहने वाली है और यहाँ पर ये दोस्तों मेरी हेड टू हेड टीम रहने वाली है। बाकी दोस्तों मेरी इस टीम में अगर कोई भी चेंजेस होती है आफ्टर लाइनअप या फिर टॉस के बाद या फिर मेरी कोई भी फाइनल अपडेट होती है तो वो आपको मैं प्रोवाइड कराऊंगा अपने टेलीग्राम चैनल पर, जहाँ पर दोस्तों 4500 से ज़्यादा मेंबर्स जुड़ चुके हैं और रोजाना यहाँ पर वो दी गई मेरी फ्री टीम्स का प्रॉफिट उठा रहे हैं। तो आप लोग भी अगर हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं, बाकी मेंबर्स की तरह फ्री टीम्स का प्रॉफिट उठाना चाहते हैं, मेरी 100% विनिंग टीम पाना चाहते हैं, तो उसके लिए हमारे टेलीग्राम से जुड़ने के लिए आपको कमेंट सेक्शन में जाना पड़ेगा। आपको कमेंट सेक्शन में जाना है, जो सबसे पहले नंबर पर कमेंट है, जो सबसे टॉप पर कमेंट है, जो कमेंट पिन किया गया है और जो कमेंट सबसे पहले नंबर पर है, वहाँ पर मैंने दोस्तों अपने चैनल का लिंक दिया है, जिस पर क्लिक करके सीधा आप लोग हमारे चैनल पर पहुँच जाएंगे और बाकी मेंबर्स की तरह फ्री टीम्स का प्रॉफिट उठा पाएंगे। अगर लिंक वर्क ना करे तो कमेंट में दोस्तों आपको चैनल का नेम भी मिल जाएगा, जिसको सर्च कर भी आप लोग हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। बाकी अगर आपको वीडियो इंपॉर्टेंट लगे, इन्फॉर्मेटिव लगे तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हो, पहली बार हमारे चैनल की वीडियोस को वॉच कर रहे हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पास में जो बेल आइकन है इसको ज़रूर दोस्तों ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आप सभी को आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। ये आपके लिए दोस्तों इंपॉर्टेंट है और आपके लिए बिल्कुल फ्री, तो दोस्तों ये काम ज़रूर कर लीजिएगा। तो भाइयों मैं मिलूँगा आपसे जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग जहाँ भी रहें सुरक्षित रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, जितने मैचेस हैं जहाँ भी आप इन्वेस्ट करें ऑलवेज विन करें हमारे टीम मैनेजमेंट से, हमारे टीम कॉम्बिनेशन से। तो मिलते हैं आपसे जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।